2001 में स्टार्ट लिया और बड़ा एक पॉजिटिव सा स्टेप था। पाकिस्तान के जितने भी टॉप के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनसे स्टार्ट किया। यहाँ पे पूरा एक जो क्रिकेटर को चाहिए ज़िंदगी में वो हम कर रहे होते हैं, चाहे आप उसको क्रिकेट प्रैक्टिस का ले लें, मैचेस का ले लें, उसको क्रिकेट अवेयरनेस का ले लें, फाइनेंस का ले लें, कभी उनके पास पैसा आता है कैसे इसको हैंडल करना है, फिर आप एंटी करप्शन का ले लें। थोड़ी रिहैब का यह है कि जितने भी पाकिस्तान के लड़के जो पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान टीम के जो अनफिट होते हैं वो भी यहीं पर आते हैं, यहीं पर आकर तीन तीन चार चार महीने, कई दफ़ा तो आठ आठ महीने, मोहम्मद आमिर तो यहाँ 11 महीने था। और फिर कुछ अपने जो बडिंग फास्ट बॉलर्स हैं अंडर 19 अंडर 17 के, ख़ासकर ये मोहम्मद हसनैन का जो रिसेंट केस था वो भी हमारे पास 11 महीने के लिए था, तो यहीं पर रख के उनको उनका इलाज भी किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और फिर मैचेस भी जब वो तगड़े हो जाते हैं प्रैक्टिस भी कराई जाती है, और जब तगड़े हो जाते हैं उनको मैचेस भी कराए जाते हैं, फिर हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं अगर सेलेक्टर्स को उनकी ज़रूरत होती है। पूरे कोच एजुकेशन काफ़ी देर से हमने शुरू की हुई है, आपको पता है पूरी दुनिया में अब सिस्टम आ चुका है कि ओनली अकेडेटेड कोचेज आर अपॉइंटेड हर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, चाहे आप अपने रीजनल लेवल पर हों, फर्स्ट क्लास के लिए हों, काउंटीज के लिए हों, टेस्ट मैचेस के लिए हों, तो उनको जो अकेडेटेड कोचेज होते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारे लेवल 4 कोचेज अभी हैं, लेवल 3 के भी बहुत सारे हो चुके हैं, लेवल 2 के बहुत सारे हो चुके हैं, और सबसे जो मेरे लिए रिसेंटली बड़ी खुशी की बात हुई कि मेरे जो 2001 के स्टूडेंट थे NCA के और बाद में बड़े एस्टेब्लिश टेस्ट प्लेयर्स भी बन गए, रिसेंटली उन्होंने आके हमारे साथ बैठ के अब कोचिंग कोर्सेज भी करने शुरू किए ताकि वो आगे जाकर पाकिस्तान की मज़ीद खिदमत कर सकें। और मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ कि जितने भी हमारे टॉप क्लास पीपल लाइक बिस्मिल्लाह हक, यूनुस खान, ये सारे अक्रेडिटेड कोचेज़ हैं, और इनके अलावा बड़े नामवर टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे पास आजकल आ रहे हैं कोचेज़ के लिए, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में बाहर से कोचेज़ नहीं लेगा, चाहे नेशनल टीम हो, चाहे ए टीम हो, चाहे अकेडमीज़ को कोचेज हो लगाने, हम अपना निज़ाम खुद ही संभालेंगे। NCA पाथवे आने के लिए बड़ा आसान काम है, सीधा काम है, हम किसी भी जगह सेलेक्शन में NCA इन्वॉल्व नहीं होती। पाकिस्तान के नेशनल सेलेक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान ए के प्लेयर्स वो देते हैं, एमर्जिंग प्लेयर्स वो देते हैं जिन्होंने जो कि पाकिस्तान के टीम के आसपास पे होते हैं, फर्स्ट क्लास उन्होंने खेली होती है, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा पॉलिश करके एकेडमी आगे भेजती है। बाकी जो जूनियर के सिलेक्शन कमेटी है वो जूनियर के प्रोग्राम वो हमें सेलेक्ट करके देती है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे अंडर 19 की जितनी भी रीजनल अकेडमी, 16 रीजनल अकेडमीज लगती हैं, हर रीजन में एक अकेडमी लगती है, उसकी भी सिलेक्शन PCB के जो अपॉइंटेड कोचिज होते हैं या सिलेक्टर होते हैं वो करते हैं। NCA के ही जहाँ भी अपनी सिलेक्शन नहीं करती, हम हमेशा PCB के जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू लड़के लेते हैं।